Assalamu alaikum everybody, this is Tamkinat Mansoor from No Filters. Those of you who follow me, aap logon ko pata hoga ki there are certain issues that I'm really passionate about. One of them being child related issues. So today I'm at Toddler House Elementary School. It's a school, it's a daycare, it's a nursery. और यहाँ पे दो फ्लोर्स हैं जहाँ पे प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज बच्चों को एक ही तरह की एजुकेशन दी जाती है. इट्स एक्चुअली रिजला रेहान एंड शी इज़ रनिंग दिस ह्यूज अकेडमी एंड होल हार्टेडली एंड ऑल ऑन हर ओन मनी. सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड, टेक अ लुक एट द स्कूल, मीट द चिल्ड्रन एंड हर फाइव अडॉप्टेड किड्स. सो वी आर हियर इन कॉन्वर्सेशन विद रिजला रेहान, दैट पाकिस्तानी फैन. ओके रिजला, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप साबुन कौन सा इस्तेमाल करती हैं? कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करती. कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करती और फिर भी इतनी हसीन है. तो ख़वातीन हज़रात, साबुन इस्तेमाल करना छोड़ दें, साबुन कंपनियां साबुन बनाना बंद कर दें. कोई एक टिप पहले आप, क्योंकि सब लोगों ने यही सवाल करना है कि आप उनसे कोई हसीन होने का टिप क्यों नहीं लेके आई पहले. मैं नारियल का तेल लगाती हूँ रोज रात को मुँह पे. नारियल का तेल अगर मेकअप मस्कारा कुछ भी उसी से उतारती हूँ, वही लगा के सो जाती हूँ. नारियल का तेल ख़वातीन हज़रात, ओके. और सुबह उठ के पानी से मुँह. That's it, simple. बस आधे लोगों ने तो यही बंद कर दिया होगा, जो उन्हें चाहिए था वो मिल गया. सो लेट्स जस्ट गो बैक टू दैट डे जब वो आपकी आलमी शोहरत याफ्ता तस्वीर खींची गई, जिसको देख के मैंने भी सोचा कि ओह गॉड, बच्ची बहुत फिट है. तो मतलब क्या उस दिन प्लान था जाने का? प्लान नहीं था. आर यू अ क्रिकेट फैन? और आई लाइक क्रिकेट. आई वोंट कॉल माई सेल्फ कि मैं सबसे बड़ी फैन हूँ. आई एंजॉय वॉचिंग क्रिकेट और एनी स्पोर्ट. लेकिन ऑफ स्पिन और वो स्पिन स्पून मुझे जैसे नहीं पता, आपको भी नहीं पता. मुझे मेजोरिटी पता है. ज्यादातर कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो नहीं पता होंगी. आपने कभी सोचा था कि आप मेरे से भी एक दिन बात कर रही होंगी, ये इस लेवल तक पहुंच जाएंगी? मुझे ये कभी यकीन भी नहीं था कि कभी आगे कोई मेरी तस्वीर भी खींचेगा और आप जैसे बड़े लोग मुझे आके कोई बातें भी करेंगे. सो नो नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एट ऑल. अच्छा तो रिजला, दिस स्कूल, आई मीन आई जस्ट न्यू यू एज कि अच्छा एक छोटी सी लड़की है और बड़ी स्मार्ट सी मॉडर्न सी तस्वीर खिंच गई. हाँ भाई चलो खिंच गई, हाँ ऐसे लोग तो पॉपुलर हो ही जाते हैं. लेकिन मैन आई गॉट टू नो कि यू एक्चुअली रन दिस होल इंस्टीट्यूशन, आई मीन यू नो, और इतने बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन योर ओन मनी पढ़ा रहे हैं, और आपने एक्चुअली पाँच बच्चियाँ एज योर ओन डॉटर्स, यू हैव रेज देम एंड दे कॉल यू मामा. एंड आई मीन आई वॉज लाइक व्हाट. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी इन ऑ एंड इन डिसबिलीव कि यार ये क्या हो रहा है. तो आई मीन जस्ट गिव मी एक स्टोरी, मुझे बताएं कि ये कैसे शुरू हुआ. हैव यू बीन ऑलवेज इनटू दिस, या अब शुरू किया है ये? नहीं नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन इनटू डूइंग चैरिटी वर्क. मतलब मैं बहुत अलग अलग मुल्कों में रह के आई हुई हूँ, जिसमें मलेशिया है, थाईलैंड है, स्विट्जरलैंड है, हांगकांग, पाकिस्तान, इंग्लैंड. सो हर जगह मैंने वॉलंटरी काम किए हुए हैं. मैंने ऑफिस में बहुत काम किए हुए हैं. कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल्स जो होते हैं, उनके कैंसर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं बच्चों के वाले, उसमें बहुत काम किए हुए हैं. सो फॉर मेनी इयर्स आई हैव बीन डूइंग दिस. बट मैंने अपना सेटअप अबाउट 4.5 इयर्स अगो शुरू किया था. एक छोटा सा सेटअप, हाँ, छोटा सा ट्रस्ट खोला था. और नहीं, पहले ट्रस्ट खोला था, एक जैसे ऑर्फनेज टाइप का घर लिया था. उसमें थोड़ी सिंगल मदर्स थी जिनके मियाँ नहीं होते, उनके बच्चे थे वो रहते थे. और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेरी बच्चियाँ मिलती गईं तो वो थी. एंड उसके बाद फिर उनमें से एक बच्चा मैंने स्कूल में डाला. शी वेंट टू अ गुड स्कूल. मतलब ऐसा आप, मैं एग्जांपल दूँ आपको कि जो बच्चा कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया हो या उसने किताब खोल के नहीं देखी हो, मेरे पास वो आया और मैंने उसको एज़ यूजुअल, जैसे मेरा बच्चा होता है उसका एज वैसे ही अपनी एज से थोड़ी बड़ी हो गई थी, स्कूल डाला. और आउट ऑफ मे बी 170 बच्चे एक साल के अंदर शी वॉज ऑन द टॉप. सो जब उसके मैंने मार्क्स देखे, दैट वॉज लाइक द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. कि यू नो कि जस्ट टू गिव समबडी एन अपॉर्चुनिटी, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. आई बिलीव सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अमीर हो गरीब हो, पढ़ाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू ओपन अ स्कूल. मतलब मेरा एक स्कूल खुल चुका था. आई ऑलवेज हैड अ नर्सरी जो वॉज ओपन टू पब्लिक, जहाँ लोग पैसे दे के आते हैं. तो देन उसके बाद आई ओपन्ड अ फ्री स्कूल. इट कम्स अंडर रिजला चैरिटेबल ट्रस्ट, रिजरे अकेडमी के नाम से है. एंड उसमें आई गॉट दीज किड्स. अब ये जितने बच्चे हैं हमने लिए हुए, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे थोड़े से हैं. लेकिन बिकॉज मैं डोनेशंस नहीं लेती हूँ, हम सब खुद करते हैं. अल्लाह मेरी मियाँ को ज़िंदगी दे, सिंपल, वो सारा सपोर्ट करता है. सो दिस इज नॉट अ कॉल फॉर यू नो डोनेशंस. हम ये पर्पस नहीं है, नहीं मांग रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन मैनेज एवरीथिंग. सो अब
मैं मिलना चाहूँगी आपके बच्चों से, क्योंकि मैं बहुत देर से इंतज़ार करी हूँ कि कब वो आएँ और मैं उनसे बातें करूँ और उनसे वो छोटे छोटे चिट चैट, बिकॉज आई वुड रियली यू नो वांट टू मीट द गर्ल्स एंड आई वांट टू रियली यू नो जस्ट टॉक टू देम अ बिट इफ यू डोंट माइंड. या गिव मी 2 मिनट्स, आई विल गेट. श्योर. Let's just introduce the kids to the camera. Okay. One by one. Ayla. Okay. Kaina. Okay. Aiman, Zara, and Maria. So, what do they call you? What do you guys call me? Mama. Mama. Okay. And how do you like it here? Good. Okay. So, और क्या पूछें आपसे? क्या क्या age है आप लोगों की? How old are you, Ayla? I'm 8. And you? 10. 10. 7. ओके. सो सबसे ज्यादा शरारती कौन है? सबसे ज्यादा शरारती क्या शरारतें करती है? Telling lies. She makes stories. She's like a little monkey. She creates her own stories and they're actually believable. Yeah. I have a story maker at my home too. Yeah. So और मामा का फेवरेट कौन है? Aiman. Me. कायनात. सब यानी के फेवरेट है. Yes. और मामा किसकी फेवरेट है? मी. अच्छा और मिस बाइंड? नाइमा. मिस बाइंड नाइमा, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन विद यू? फॉर 5 years नाउ. या 5 years एवर सिंस वी स्टार्टेड दिस. सो दिस इज लाइक द होल फैमिली. ओह या. पढ़ाई में सबसे अच्छा कौन है? एक्चुअली देयर ऑल गुड. They're all. Kainat is very good. Mm-hmm. Zara is fantastic. Ayman, Ayla. और कौन कौन सी क्लासेस में है सब? 4, 5, 3, 2. ओके. तो पढ़ाई में सब ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में कौन अच्छा? सबसे ज्यादा अभी अच्छा बच्चा, इसलिए हमारा माशाल्लाह कुरान भी खत्म कर लिया. माशाल्लाह. The first one out of the whole girls जिसने अपना कुरान भी खत्म कर लिया. और स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा कौन है? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कोई स्पोर्ट्स नहीं आती थी. ज़ारा सबसे अच्छी स्पोर्ट्स में. कायनात. अच्छा ट्राई तो सब बहुत अच्छा करते हैं. आई वोंट से दैट बट या कायनात ज़ारा इज वेरी स्पोर्ट्स. और सबसे ज्यादा कौन एक्साइटेड था जब आपने टीवी पे देखा मामा को और आपने कहा कि ओ ये तो हमारी मामा है? क्या आप लोगों को, आपने क्या सोचा कि ये क्या हो गया एकदम से? फिर उसके बाद क्या आगे क्या हुआ? उसके आगे की स्टोरी हमें कोई कायनात सुनाएगी. आप एक दिन टीवी देख रहे थे और आपने मामा को देख लिया. फिर जब टीवी देखा था तब तो मुझे पता था कि वो तो ये, लेकिन जब वो न्यूज़ आई तो अनबिलीवेबल था. और उसके बाद से अभी कोई चेंज हुआ है? मामा के साथ बाहर जाते हो, लोग आते हैं, पूछते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है जी. और कौन चाहता है मामा की तरह फेमस होना? एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ स्टार हियर. ओके. और कौन चाहता है मामा की तरह, जैसे मामा हर वक्त काम करती हैं, बिजी रहती हैं, ये तो कौन है जो चाहता है कि मैं भी ऐसे ही काम करूं हर वक्त भाग भाग के? सब काम करना चाहती है. मेरी तरह का कोई नहीं है जो काम नहीं करना चाहता, बस लेट के सोना चाहता है, खाना पीना चाहता है. कोई नहीं है ऐसा? मैं हाँ. ये मुझे भी एक दोस्त मिल गया यहाँ पर, कोई मेरे जैसा भी है. आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू ऑल फॉर बींग विद मी एंड सी यू अगेन सम टाइम इंशाल्लाह. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़. एवरीबडी से अल्लाह हाफिज़. बाय.